दोस्तों, भारत इस साल 77 स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। देश को आजादी 15 अगस्त 1947 के दिन मिली थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी के लिए 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया था? जानेंगे। इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो में अंत तक। दोस्तों, देश भर में इस बार भारत 15 अगस्त 2024 के दिन अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। देश भर में आजादी का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सन 1947 के समय आजादी के लिए 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना गया था? आज हम जानेंगे 15 अगस्त चुनने के पीछे की वजह। भारत को आजादी आधिकारिक रूप से 15 अगस्त 1947 के दिन आजादी मिली थी। इस बार पूरा देश आजादी का 70वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। ब्रिटिश शासन के मुताबिक भारत को 30 जून 1948 को आजादी दी जाने वाली थी, लेकिन उसी समय नेहरू और जिन्ना के बीच भारत और पाकिस्तान के बंटवारा एक बड़ा मुद्दा बन गया था। जिन्ना के पाकिस्तान की मांग को लेकर लोगों में सांप्रदायिक झगड़े की संभावना बनते देखकर भारत को 15 अगस्त 1947 को ही आजादी देने का फैसला लिया गया था। इसके लिए 4 जुलाई 1947 को माउंटबेटन द्वारा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पेश किया गया था। इस बिल को ब्रिटिश संसद द्वारा तुरंत मंजूरी दे दी गई और 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आजादी देने की घोषणा कर दी गई थी। भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की जिंदगी में 15 अगस्त का दिन बहुत ही खास था। दरअसल 15 अगस्त 1945 के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश के सामने जापानी आर्मी ने आत्मसमर्पण किया था। उस समय ब्रिटिश की सेना में लॉर्ड माउंटबेटन अलाइड फोर्सेज में कमांडर थे। जापानी सेना के आत्मसमर्पण का पूरा श्रेय माउंटबेटन को दिया गया था, तो माउंटबेटन 15 अगस्त को अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन मानते थे, इसलिए उन्होंने 15 अगस्त का दिन भारत की आजादी के लिए चुना गया था। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।